ज्यादा है ये भी पार्लर जा रही है, दोनों पार्लर जा रहे हैं। तो आज आपका भाई थोड़ा सा अमीर हो गया, सुबह सुबह कमा गया मैं। कैसा लग रहा है नया फोन चला के? बाय बाय भाई, ये तो पूरा मैचिंग हो रहा है सबका कपड़ा। भाई साहब आज ब्रॉन्जो ने भी येलो पहनना है। फर्स्ट टाइम है ना भैया, पहले साड़ी नहीं किया था। दिन वो बातें बोल हमें। आपको दोबारा शादी होना पड़ेगा। ये चिकन करी, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। इसको देखो मोबाइल दे दी ना, ये पापा का कुछ LIC का पैसा है। मम्मी सुबह सुबह आके मेरे को दे रही है कि पैसा दे दो। थोड़ा कम है क्या या बराबर है? बराबर ना, थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा? अरे सुबह सुबह कमा गया मैं। अरे मेरे को पता ही नहीं चला मैं सुबह सुबह कमा गया। हाँ तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आशा करो सब लोग कुछ ठीक ही होंगे। और आज का सुबह मतलब आपने देखा ये कितना अच्छा सा सुबह हुआ आज। मतलब सुबह मैं नींद से उठा, नहा धो के फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, उसके बाद हाथ में पैसा आ गया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। बाकी आज सुबह सुबह मैं नहा धो के तैयार होके कहाँ निकल रहा हूँ आपको बोलता हूँ, लेकिन पहले घर से निकलते हैं। पूजा तुम जा रहे हो कि नहीं? नहीं जाओगे तो रेडी हो गए, कहाँ निकलने का तैयारी है? चलो पूजा भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ हम दोनों निकलते हैं। आप तो रास्ते में आपको सारा प्लानिंग वगैरह बताते हैं, कहाँ का प्लान है, कहाँ को जा रहे हैं हम लोग। पहले घर से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया। भाभी कहाँ जा रहे हो? पार्लर। भाभी जा रही है पार्लर, और पूजा कहाँ जा रही है? ये भी पार्लर जा रही है, दोनों पार्लर जा रहे हैं। थोपड़ा दिखाओ एक बार, आप लोग कमेंट में बताना किसी का थोपड़ा देखे से पता चलता है क्या, आप लोग कमेंट में बताना। बाकी हम लोग भी निकलते हैं, भैया भी ऊपर रुका हुआ है। भैया भाभी को लेके जाएंगे ना हम लोग, इसलिए गाड़ी लेके जा रहे हैं आज। तो आज आपका भाई थोड़ा सा अमीर हो गया, गाड़ी लेके आया। देखो गाड़ी कैसा भी लटक रहा है, गाड़ी लेते उस गाड़ी पे अंदर बैठते उसके राको बोलते हैं। चलो कैसा लग रहा है नया फोन चला के? अच्छा लग रहा। फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। डर लगता है। डर लगता है नहीं, ठीक है। ये फोन हेलमेट पे घुसा के ऐसे तो बात कर रहे हो, डर कहाँ गया? वो तो डर लगता रहता ना, नया फोन थोड़ा दिन तक डर लगेगा। एक तो भाभी का फोन ही खत्म नहीं होता, इतना फोन आता है ना भाभी का। चलो चलो जाओ। हाँ भैया एक्चुअली अभी को लेके जाने वाले थे भैया बाइक लेके, लेकिन हमने बोला कि हम तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो भाभी हमारे साथ जाएगी और जहाँ जाना है हम लोग आरा रास्ता भी बढ़ता है। और भैया का रास्ता थोड़ा सा उल्टा है, तो भैया किसी को कुछ बोलना है तो भैया को पूछ के ही बोलती है, अकेले ऐसे नहीं बोल लेती। मतलब भैया को पहले पूछेंगे उसके बाद बोलेंगे आगे। चलो बाय बाय। भैया चला गया और हमारा भी आज गाड़ी है, थोड़ा आज अमीरों वाला फील लेंगे, गाड़ी चलाएंगे आज दिन भर। और गाड़ी किसका आपको पता ही होगा, ये पंच है। गाड़ी है किशोरडा का, और किशोरडा सुबह सुबह आए थे, वो तावांग जा रहे हैं बाइक लेके, तो मेरा अपना बाइक ले दिया उनको, वो सेक्सपाल्स लेके गए और गाड़ी छोड़ के गए। तो आज दिन भर घूमेंगे गाड़ी में, या तो शायद स्कूटी में घूमेंगे, क्योंकि गाड़ी में घूमने में ना गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर अगर गाड़ी में आप घूमोगे ना, तो फिर ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो देखते हैं क्या करते हैं, अगर हो सके अंकुर को बोलेंगे कि स्कूटी लेके आ जाओ अंकुर, तो गाड़ी छोड़ के स्कूटी लेके घूमेंगे। अच्छे से लगाओ भाई। गाड़ी का ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम है कि बार बार निकल के आ रहा है, तो जैसे कोई गड्ढा निकलता है, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आता है, ये निकल के बाहर आ जाता है। क्या हुआ इसका जो स्क्रू रहता है ना, स्क्रू कहीं निकल गया, इसकी वजह से टेप मार के रखा था और टेप भी निकल गया, तो ये बार बार निकल रहा है। जब तक गाड़ी चलेगा तब तक आपका हाथ यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो हमने प्लान थोड़ा सा ऐसे किया था कि कार यहाँ पे रखेंगे और अंकुर लेके आएगा स्कूटी, तो अंकुर के स्कूटी में अंकुर और मैं बैठ के चले जाएंगे, क्योंकि पूजा नहीं जा रही। पूजा जाएंगे कल जाएंगे ना आप, तो पूजा जाएंगे कल, उसके लिए कपड़ा वपड़ा चलाने के लिए दिया है इन्होंने, तो फिर वो सब इनको रेडी करना है। और बाकी प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आ गया कि गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि विकास भैया का फोन आ गया और विकास भैया ने बोला कि स्पीकर लेके आओ, मैं घर बड़ा स्पीकर है वो स्पीकर लेके आओ, और स्पीकर स्कूटी में ले जाना इम्पॉसिबल है, तो गाड़ी लेके जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन सामान चला जाएगा, काम हो जाएगा, तो गाड़ी तो यूज करता है। किसको बुला रहे हो? अच्छा मम्मी आई है, खुद जाए। और पूजा मेरे साथ आने का रीजन ये था, दिखाओ दिखाओ क्या लिया। हाँ इसने एक्चुअली थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह सिल ले दिया था, तो वो सब कपड़े लेने आए थे। ले लिया सारा कुछ? कितने का बिल बना? 1300। सिर्फ सिलने का 1300 है, और खरीदने का खर्चा अलग मोटा खर्चा हो गया। अभी अपने लिए एक कुर्ता ढूंढने जाना है, क्योंकि आज है विकास भैया का हल्दी, और हल्दी में जा रहे हैं हम लोग, और हल्दी में जाने के लिए थोड़ा सा येल्लो कुर्ता ढूंढने जाना है अभी मार्केट में,
दो तीन दुकानों में ढूंढा लेकिन अभी तक मिला ही नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा कहीं येल्लो टी शर्ट पहन के आ ही गया था उसी से काम चलाएंगे, अगर मिल गया तो अच्छा, क्योंकि सब दोस्त लोग सब येल्लो कोटा पहन के आ रहे हैं। तो हम आके गाड़ी में बैठ चुके हैं वापस, और ये डिस्प्ले को मैंने कुछ इस तरह से चिपका दिया है क्योंकि यहाँ पे टेप लगा हुआ था, टेप निकल गया था तो टेप मैंने पूरा उखाड़ा और ऐसे चिपका दिया ताकि ये निकले नहीं। और पूजा को भी बाय बाय बोल देते हैं, बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूजा चली गई है और साथ में अंकुर आ गया है। अंकुर अपने साथ अपना बॉक्स भी लेके आया, स्पीकर, शादी में जा रहे हैं ना, हल्दी में जा रहे हैं तो वहाँ पे पूरा हल्ला मचाएंगे, बॉक्स बजाएंगे। और अभी हम लोग निकलते हैं। एक्चुअली जो कुर्ता खरीदने गया था मैं, कुर्ता खरीदने के लिए दो तीन दुकान में ढूंढा, मिला ही नहीं, पार्किंग का इशू हो रहा था वहाँ पे, जहाँ पार्किंग है वहाँ नो पार्किंग लगा हुआ था, तो वहाँ से सीधा अपना गाड़ी निकाला, वहाँ से चले आए, मतलब मिला ही नहीं कुर्ता। अभी देखते हैं रास्ते में अगर कोई एक दुकान में मिल जाता है, एक दो दुकान में, तो लेते जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो इसी से काम चलाएंगे। कुर्ता लाए हो ये लो, सब लोग पहने हैं भाई साहब, मैं आज तो मतलब अलग ही चमकूंगा। चलो कोई बात नहीं यार। तो चलो हम लोग फाइनली आके पहुंच चुके हैं और यहाँ से मुझे विकास भैया का घर दिख रहा है। तो सब लोग आके पहुंच चुके हैं सामने और सब लोगों ने पीला कुर्ता पहना हुआ है, सिर्फ मैं अकेला ऐसा बंदा रहूंगा शायद जिसने कुर्ता नहीं पहना, मतलब जाने में मेरे को अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें यार, इधर उधर भाग दौड़ी के चक्कर में कुर्ता मेरे को मिला ही नहीं। और चलो देखते हैं जो होता है, अंदर चलते सबसे मिलते हैं। ओ भाई कहीं से मेरे लिए भी एक कुर्ता एक अरेंज कर दो यार। कर दो क्या? हाँ कर दो, कपड़ा है तो कुछ ना कुछ कर दो, यहाँ का जो तो कपड़ा है ना भाई, ये तो पूरा मैचिंग हो रहा है सबका कपड़ा। क्या चल रहा है किशोर, सबका मैचिंग हो रहा है। पेंडल का कपड़ा इसलिए कम पड़ गया ना, यहाँ पे कपड़ा था पेंडल का, इन सबने कुर्ता पहना लिया, थोड़ा सा पेंडल छोटा पड़ गया, बाकी अंदर सारा प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, सारा पूजा वगैरह चल रहा है, आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं और सबसे मिलाता है। चलो भाई साहब आज ब्रोंजो ने भी येल्लो पहनना है, ब्रोंजो। और यहाँ पे दही और सीरा साथ में। मामी की खबर पीछे के क्या बोल रहे थे, क्या नियम है हम लोग का, मतलब ये सीरा और दही बोलते हैं हम लोग। हाँ दही, दही हाँ, ये नियम होता है हाँ सारे के घर में, ये खाना पड़ता है। मैं इनको बोल रहा कि मेरे को नहीं खाना, नहीं खाना भाई, जोर जबरदस्ती मेरे को लाके बिठाया और बोला कि खाना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा होने से भी खाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो सही है, थोड़ा बहुत खा लेते। विवेक ने खाया कि नहीं? ओ, मैंने खा लिया भैया। आप नहीं खाओगे ऐसा हो सकता है क्या? खा के बॉडी तो खराब। विवेक के सामने कोई बोल सकता है क्या? भाई सबने हल्दी लगा लिया, अभी फोटो चल रहा है, अभी सबने हल्दी लगा लिया, इसी साल के अंदर शादी होना चाहिए, अभी जिसने जिसने हल्दी लगाया इसी साल के अंदर अंदर 24 में आपको दोबारा शादी होना पड़ेगा। फोटो बढ़िया, मस्त मस्त फोटो। ए बॉयज गैंग, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा हाय साहब, हम सब लोग बैठे बैठे ब्लॉग कर रहे हैं, देखो ब्लॉगर दूल्हा। हेलो कैसा है खाना? कैसा है? बढ़िया। और सारा प्रोग्राम वगैरह अभी खत्म हो चुका है, दो तीन रस्म है जो घर के अंदर चल रहा है और अभी हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। एक्चुअली सबने खा ही लिया हमें, तो हम लोग एकदम लास्ट में बैठे हैं। आकाश भाई
आपने खाया कि नहीं? आपने खाया कि नहीं? असल में स्पेशल नहीं खाया भाई। नहीं खाया यार, एक साथ बैठते एक साथ खाते खाना खाते उसके बाद निकलते। कैसा खाना, कैसा है विकास भैया? ठीक है, गाड़ी सजाने जा रहे हैं और आराम से खाना, अपना घर समझ के खाना। ठीक है सलाम मर मत करना, मतलब ठीक है। अब पता है आप बेसलम हो क्या? अभी खाना वाना खा के कम्प्लीट हो गया, बिकॉज खाना लगे और अभी हम लोग जा रहे हैं। अब दूल्हे का गाड़ी है मेन, उसको थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करेंगे, अच्छे से करेंगे, मतलब थोड़ा अच्छे से करेंगे और उसके बाद देखते हैं, पहले डेकोरेशन करते हैं उसके बाद देखा जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद विकास भैया का गाड़ी मेरे हाथ में, मतलब ये गाड़ी इतना चला है मैंने, इतना इस गाड़ी में हम लोग घूमे हैं। तो गाड़ी का स्टीयरिंग जब हाथ में आया ना, तब याद आया वो दिन, वो बातें, वो लम्हे। बहुत ट्रेवल किया इस गाड़ी में और बहुत चला भी है। तो इस गाड़ी को आज लेके जाएंगे, इस गाड़ी में आप दुल्हन आने वाली है तो सजावट एकदम अच्छा होना चाहिए। और साथ में किशोर जा रहा है और पीछे अंकुर बैठा हुआ है। तो चलो हम फाइनली आके पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पे डेकोरेशन करने लाए हम लोग और ऑलरेडी हम लोग डेकोरेशन दुकान ढूंढी लिया है। यहाँ बाहर आपको डेकोरेशन का दुकान दिख रहा होगा, तो अभी चलते हैं दुकान के अंदर और इनको समझाते हैं कि कैसे कैसे डेकोरेशन करना है, सारा कुछ समझा के गाड़ी एकदम डेकोरेशन करके फर्स्ट क्लास बना के यहाँ से लेके जाएंगे। और यहाँ पे इतना सारा डेकोरेशन का सामान है, एक अच्छा सा डिजाइन देखते हैं अपनी गाड़ी के लिए और सेम डिजाइन कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी गाड़ी पे। चलो भाई, क्या हो गया दोनों को? गाड़ी में बैठ बैठ के आए थे गाना सुन सुन के और जैसे यहाँ पहुंचे आके यहाँ बैठ गए, क्या हो गया? भाई देखो, बिजनेस करना हर जगह पे अच्छा नहीं है। तो भैया ये सबसे लगेगा क्या? इसमें तो फुल रहेगा, इससे फुल रहेगा। फर्स्ट टाइम है ना भैया, पहले शादी नहीं किया था, पता नहीं ना इतना एक्सपीरियंस। शादी के लिए तो अभी भी टाइम है आपका, लेकिन एक्सपीरियंस ले रहा थोड़ा बहुत ना। तो हमारा पूरा काम चल रहा है, ये फोम भी नहीं है, क्या है पता नहीं, ये ऐसा एक मटेरियल है। तो ये मेटल पहले चिपकाए जाएंगे, उसके बाद यहाँ के इसके ऊपर फूल चिपकाएंगे और कैसा बनता है आपको होने के बाद दिखाता है एक बार। और अभी अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे रुका हुआ है अंकुर, किशोर और मैं जा रहे हैं थोड़ा सा आगे मार्केट में। एक्चुअली कल शादी है और शादी में पहनने लायक मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है, सब लोग कुर्ता पहन रहे हैं, मेरे पास कुर्ता है ही नहीं। और आज भी सुबह सुबह येलो कुर्ता की वजह से मेरा दिन खराब हो गया, मतलब मिला ही नहीं मेरे को, सबने पहना मेरे को मिला ही नहीं, ऐसा हो गया। और कल का दिन खराब नहीं करना मेरे को, कल शादी है। तो फिर आज अभी डेकोरेशन भी हो रहा है और हम लोग अभी मार्केट में जाते हैं, एक अच्छा सा सुंदर सा कुर्ता ढूंढते हैं अपने लिए और वापस आते हैं। किशोर आज मिलेगा हमको? तो हम लोग यहाँ पे मार्केट पहुँच चुके हैं और मार्केट पहुँच के करीबन 3-4 दुकान ट्राई कर लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आपका होलसेल मार्केट बहुत ज़्यादा है, मतलब रिटेलर शॉप इतना ज़्यादा नहीं है, दूसरा मार्केट जाना पड़ेगा अभी रिटेलर के लिए। और वहाँ पे कुर्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी एक अलग सवाल है, तो उसका सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और मिला भाई, ये होलसेल मार्केट है, हाँ सब होलसेल मार्केट है ये सब। चलो पूछ के आते, चलो पैसे मिल जाए तो अच्छा है। तो भाई बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान मिला है जहाँ पे बहुत सारा कुर्ता तो हमको दिख गया। ये कौन सा डिजाइन है किशोर? ये चिकन करी। भाई साहब दुकान के अंदर आते किशोर ने बोला कि चिकन करी दिखाओ, यहाँ कपड़े मिलेगा खाना कहाँ मिलेगा, ढाबा थोड़ी आ गए हम। लेकिन नहीं, भैया ने बोला कि चिकन करी डिजाइन आता है कुर्ता का, मेरे को पता ही नहीं था, कुर्ता इतना पहनता नहीं हो ना। तो ये चिकन करी डिजाइन है और इसमें सारा कलर भैया ने निकाल दिया है, कौन सा पहनो कौन सा ले जाओ एकदम डिफिकल्ट, टेंशन हो गया मेरे को ना। भैया कौन सा लूँ मैं? आपको तो पीकॉक ब्लू वाला अच्छा लगा। पीकॉक ब्लू ले लूँ, अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, पहन के देखो एक बार। चलो भाई थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मिलके, दोबारा आएंगे मिलेंगे है ना। तो किशोर कल के लिए रेडी हो? कल के लिए हम सब लोग रेडी है, दोस्त लोग पूरा एंजॉय करेंगे और हमने हम लोग लेट हो गए लास्ट नाइट, मतलब हम लोग अभी शॉपिंग किया, कल क्या पहनना अभी डिसाइड किया, अभी सारा शॉपिंग वगैरह हो गया, अभी चलते हैं गाड़ी में। गाड़ी के पास अंकुर खड़ा हुआ है, अंकुर को मैंने फ़ोन कर दिया, बोला कि ऑलमोस्ट डेकोरेशन डन हो चुका है, तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और घर लेके चला कर निकलते हैं यहाँ से। भाई कितना बात करोगे यार फ़ोन में, फ़ोन लेके भाई दोस्ती है ना, हाँ लेकिन दिखा नहीं रहा है, सब समझते हैं हम लोग। आ जाओ किशोर आ जाओ। तो हम लोग का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, हमने करा लिया, ये थोड़ा सा मतलब फिनिशिंग करना बाकी है, फिनिशिंग हो जाएगा उसके बाद, तो यहाँ से हम घर लेके उसके बाद चले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं करवाया, एकदम सिंपल में डेकोरेशन कराया ताकि अच्छा दिखे, थोड़ा क्लासी दिखे, विकास भैया को ऐसा चाहिए था। तो गाड़ी पूरा हो गया, अभी देता है, तो पता नहीं विकास भैया को पसंद आएगा या नहीं आएगा, आपको दिखाता हूँ, आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू। किशोर कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ गाड़ी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा क्लासी लग रहा है, कैसा लग रहा है? मस्त। तो ये देखिए इतना कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है लेकिन एकदम सिंपल में डेकोरेशन कराया हमने। भैया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो आप लोग बताना कैसा लग रहा है अभी।
भाई साहब ये फूलों को देखो कैसा हिल रहा है, मतलब मेरे को दल लग रहा है। गाड़ी एकदम धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं, तो ये देखिए आप लोग गाड़ी 20 के ऊपर नहीं जा रहा, रास्ता एकदम खाली है, क्योंकि फूल जैसे हिल रहा है ना वैसे मेरे को दरा दल लग रहा है। पता चले मैं गाड़ी चला के घर तो पहुंच गया, लेकिन जो डेकोरेशन करने आया था ना डेकोरेशन घर पहुंचा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आराम से गाड़ी चला के जा रहे हैं अभी। किशोर अच्छा से देखते रहना, अगर बाई चांस उड़ जाए ना पकड़ के रखना। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, गुवाहाटी सिटी के अंदर बीचों बीच क्या हो रहा है, कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई डेकोरेशन का काम हो रहा है। नहीं भाई कोई ब्रिज वगैरह शादी का सेट लग रहा है। नहीं नहीं कोई ब्रिज वगैरह बन रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरफ से देखिए, मतलब ये रास्ता है और एकदम जेसीबी ऊपर उठ के काम कर रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये गाड़ी का जो डेकोरेशन किया है इसके ऊपर ध्यान देते रहते हम बस घर पहुंचने वाले थे, और उसके बाद हमारा ध्यान गया इधर। यार देखिए आपका डीजल का जो मीटर है एकदम 0 किलोमीटर दिखा रहा है और रिजर्व में पेट्रोल लगा हुआ है, लो फ्यूल दिखा रहा है, तो हमने सोचा कि लगे हाथों तो गाड़ी का भी थोड़ा सा भूख मिटा दिया जाए, और क्योंकि ये गाड़ी लेके कल सुबह हम लोग निकलने वाले हैं 7:00 बजे, और 7:00 बजे कहाँ पेट्रोल पंप खुला मिलेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, मतलब क्या है गुवाहाटी में 24x7 पेट्रोल पंप खुला नहीं रहता, कुछ कुछ पेट्रोल पंप ऐसा है जो 24x7 खुला रहता है, लेकिन हर एक पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है कि दिन रात खुला रहेगा। तो हमने यहाँ पे डीजल डलवा लिया तो सुबह के लिए भी टेंशन नहीं है। तो घूम फिर के सीधा के हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और अभी का अगर टाइम बताऊँ मैं आपको तो 22:23 मतलब 10:04 होने वाला है अभी, और बहुत रात हो गया, सुबह जल्दी जल्दी उठना है, तो सुबह 6 बजे तक घर से निकलना, मतलब बहुत भागदौड़ होने वाला है, कल का दिन भी होने वाला है। अभी यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, आके हमने बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, डांस किया, बातें किया, बहुत सारा इसलिए रेडी हो गया, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए सब लोग रेडी है, तो खाना खाते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। म्याओ क्या चाहिए, म्याओ म्याओ को चाहिए कैट फूड, कैट फूड है फिर इसके ऊपर, म्याओ देखो नहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं आऊँ लो निकाल लो, थोड़ा देर बाद मिलेगा, ठीक है मैं आऊँ, नहीं अभी चाहिए। तो भैया यहाँ पे खाना खा रहा है, और मम्मी ने खा लिया, भाभी ने भी खा लिया, और मैं भी आके घर पहुंच चुका हूँ, बस घर पहुंच के बैठा ही था कुर्सी में, और ये हमारी बिल्ली आई म्याओ आया, और कैट फूड चाहिए इसको, कैट फूड मांग रहा है, कैट फूड चाहिए। ओ पार्टी पार्टी हो गया, नहीं मिलेगा। इसको देखो भाई साहब, मैंने रख दिया था गलती से यहाँ पे कैट फूड का डब्बा, और अंदर ही घुस गई भाई, एक निकला पार्टी। फिर से अंदर जाओ, खोल के लाओ, हाँ। ओ भाई साहब इसको इतना क्या पसंद है पता नहीं, एक खा के देखो क्या, मेरे को भी खिला, कहा है मेरे को भी खिला, एक गिरा गिरा गिरा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा यार, मेरे को दे, ये नहीं मिलेगा, मैं खा के देखूं, कैसा है, नहीं बोल रही है, चल तू ही खा ले, यम्मी।